क्या हाल चाल है यार आप सभी के। मेरा नाम है अक्षय शर्मा, देख रहे हो हमारा बहुत ही ज्यादा प्यारा चैनल साइको प्रोडिजी। और आज की वीडियो आप देख रहे हो DUSOL रेगुलर एंड इग्नू के लिए इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी सेमेस्टर वन की वीडियो। नाउ अभी तक आपने काफी सारे वीडियो लेक्चर देख लिए होंगे, अगर आपने नहीं देखे तो नीचे प्लेलिस्ट है, जल्दी जाके चेकआउट करो उसे। नंबर टू, अब जो आने वाले कुछ लेक्चर्स है स्पेशली मेमोरी के, दोज आर री रिकॉर्डेड वंस। तो मेरी प्रीवियस क्लासेस जो मैंने रिकॉर्ड कर रखी है मैं उनको री अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज अ शॉर्ट इंट्रो बिफोर इट। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कंटेंट इज एग्जैक्टली द सेम, दैट इज व्हाई आई एम री अपलोडिंग देम। तो आपको मेमोरी वगैरह के आपको दिख जाएंगे। तब तक के लिए लाइक करो चैनल को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो और इस वीडियो को वॉच करो। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलो लेट्स टॉक अबाउट हमारा आज का टॉपिक, दैट इज, गुड इवनिंग हिमांशी, गुड इवनिंग, मेमोरी। तो साइज काफी छोटा है, लेट मी इंक्रीज द साइज। चलो आज की क्लास में हम किसकी बात करेंगे, कितनी अच्छी वी आर ये इस बार यार, आई लाइक इट। वी विल टॉक अबाउट मेमोरी। इस ये चैप्टर से आज हमारी रियल साइकोलॉजी शुरू हो रही है, ठीक है जी। तो एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे हम इसे। हर बंदा जिसको पता हो मेमोरी का मतलब क्या होता है, कभी आपने सोचा है? मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द नेम ऑफ फाउंडिंग फादर ऑफ इंडिया या सिंपली फादर ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? टेल मी हु इज द फादर ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात, हम एक चीज पूछते हैं, आप एक नाम बोलोगे, आप क्या कहोगे जी? महात्मा। ये ऑफ कर देना चाहिए मेरे को इसमें। आप क्या कहोगे? महात्मा गांधी। आप क्या कहोगे? महात्मा गांधी जी उनका नाम, एज सिंपल एज दैट। और ये जो महात्मा गांधी आपने बोला, ये कैसे बोला? क्या आपको मैंने पूछने के लिए पहले ही याद दिला दिया था? नॉट एट ऑल। आपको चीज़ें याद कैसे रहती हैं? आपको चीज़ें याद कैसे रहती हैं? आई एम गुड दिव्यांश। तो ये जो ऑल ऑफ दिस मेमोरी स्टफ इज ना, आज हम इसको याद करेंगे कि कैसे हमें इंसानों को चीज़ें याद होती हैं, हम कैसे उन चीज़ों को लर्न करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ये ऑल ऑफ दिस, देखो अंडरस्टैंड करने वाला पार्ट बाद में आएगा, अभी हम देखते हैं कि हम चीज़ों को समझते कैसे, ठीक है? चलो भाई शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। तो मेमोरी की अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, क्या होती है मेमोरी? तो आपको एक चीज़ तो फॉर श्योर पता होगी कि मेमोरी इज दो चीज़ें। पहली चीज़, इट इज रिटेनिंग इंफॉर्मेशन। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, आप उसको याद रखते हो, लंबे समय तक रिटेन करते हो। एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट वी कॉल एज रिकॉलिंग द इंफॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। क्या क्या है? एक है आपके पास रिटेनिंग द इंफॉर्मेशन और दूसरा है रिकॉलिंग द इंफॉर्मेशन। एक है आपके पास रिटेनिंग द इंफॉर्मेशन और दूसरा है आपके पास रिकॉलिंग द इंफॉर्मेशन। रिटेनिंग का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बोला कि भाई एक चीज़ याद रखना कि कल से क्लास होगी 7 बजे, ठीक है? व्हेन आई टोल्ड यू कि कल से क्लास 7 बजे होगी, कीप दैट इन माइंड। आपने अपना दिमाग क्या लगाया कि, एक सेकेंड रुकना। तो जब मैंने आपको बोला कि कल से क्लास 7 बजे होगी और आप कल आए, कल आपने देखा ओ 7 बजे से क्लास होगी, आपके दिमाग में चलता रहा, उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करना, अपने दिमाग में रखना इज रिटेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। रिकॉलिंग का मतलब है मैंने आपसे पूछा, हाँ भाई मैंने तुमसे कल क्या पूछा था क्लास में, तो आपने बोला कि अरे सर आपने मुझसे पूछा था कि हु इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडिया, तो आपने कहा, आपने एक इन्फॉर्मेशन मेरे सामने पुट आउट कर दी। सो रिटेन का मतलब है आपने उसे अपने दिमाग में रखा, लेकिन रिकॉलिंग का मतलब क्या है कि आपने ना ही उसे सिर्फ अपने दिमाग में रखा, आपने उसे रिट्रीव भी किया, आपने उसे बाहर भी लेके आए मेरे को प्रेजेंट आउट करने के लिए। क्या भैया? मेरे को प्रेजेंट आउट करने के लिए। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आई होप मेमोरी की डेफिनेशन यहाँ तक आपको क्लियर हो गई हो। क्या क्या होता है भाई मेमोरी के अंदर? रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इज वॉट वी कॉल एज मेमरी, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अब आपको मेमोरी के अंदर ना तीन इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं,
मैं आपसे बात करूँ तो, ठीक है जी, अगर मैं आपसे स्टेजेस ऑफ मेमोरी करूँ, ठीक है जी, स्टेजेस ऑफ मेमोरी, तो आपको तीन स्टेज मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको मिलेगा एनकोडिंग। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? एनकोडिंग मिलेगा। फिर आपको क्या मिलेगा? स्टोरेज। फिर आपको मिलेगा स्टोरेज, और थर्ड लेवल पे आपको मिलता है रिट्रीवल। आपकी कोई भी चीज में आप कुछ भी याद रखते हो ना, ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन गोज थ्रू दीज थ्री थिंग्स। क्या क्या भैया? क्या क्या जाती है, किस किस के थ्रू जाती है? अगर मैं आपसे बात करूं, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। क्या क्या भैया? एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। क्या आप लोग देख रहे हो? लाइक कर दो अगर आप लोग देख रहे हो तो जल्दी से। ठीक है जी, व्हाट डज एनकोडिंग मीन? एनकोडिंग का मतलब है जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपने उसे अपने दिमाग के अंदर रखने का एक तरीका निकाला और उसे रिटेन करने के लिए कुछ तरीके बनाए। दैट इज एनकोडिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला कि पेज 23 पे महात्मा गांधी की फोटो है, ठीक है जी, और वो आपका चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है जी। मैंने आपको क्या बोला कि चैप्टर नंबर 4 है, पेज नंबर 23, उसमें महात्मा गांधी की फोटो है। इस चीज़ को आप एनकोड कैसे कर सकते हो? आप ये याद कर सकते हो कि अच्छा, चैप्टर नंबर 4, उसमें महात्मा गांधी, पेज 23 पे है। ऑपोजिट भी आप एनकोड कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। आपको पता होगा हम निमोनिक्स बनाते हैं, हमारा एक फेवरेट है, लिल्ली से मन भर के। ये हम किस में यूज़ करते हैं? हम हमारी इंटेलिजेंस थ्योरीज में यूज़ करते हैं। सो इसके अंदर हार्वर्ड गार्डनर वाली जब थ्योरी आती है तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं इसे, है ना। अगर आपने कभी साइंस पढ़ी है तो हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सेंटर बाप राजी, तो ये सब क्या होते हैं? निमोनिक्स होते हैं। जैसे हेलिना की रब से फरियाद, तो हाइड्रोजन लिथियम, ये क्या होता है, एन ए, सोडियम पोटेशियम, Rb रुबिडियम, से क्या होता है, स्कैंडियम, फरियाद में Fr यानी फ्रेंशियम, ठीक है जी। तो देखो, ऐसे चीजों को एनकोड करना, पहले आपने एनकोड कर लिया, उसके बाद एनकोड करके कहीं तो रखोगे, है ना, स्टोर करोगे ना, दैट इज स्टोरेज ऑफ द मेमोरी। दैट इज स्टोरेज ऑफ द मेमोरी। एंड आखिर में क्या इंपॉर्टेंट होता है? दैट इज आपने हर चीज याद कर ली। कई बार हमारे साथ पेपर में होता है, मेरे को याद था लेकिन मेरे को उसका, मैं उसको ही भूल गया, मैं याद था लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा। आपको पता है, आपके साथ जरूर ऐसा होता होगा, है ना, कि मुझे याद था पर मुझे अब याद नहीं आ रहा। दैट इज वॉट वी कॉल एज रिट्रीवल। और जो नहीं याद आना होता है, दैट इज कॉल्ड एज रिट्रीवल फेलियर। रिट्रीवल फेलियर, सो इनएबिलिटी टू रिट्रीव आउट द मेमोरी विच यू हैव स्टोर्ड। और ये हमारे साथ बहुत होता है पेपरों के दौरान, एंग्जाइटी कॉजेज रिट्रीवल फेलियर। तो इनकोडिंग, स्टोरेज और फिर रिट्रीवल आर द थ्री इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ अ मेमोरी प्रोसेस, ठीक है जी। कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा महात्मा गांधी, तो इनकोड किया, फिर आपने उसे अपने दिमाग में स्टोर किया, और जब मैंने आपसे पूछा, हाँ भाई चैप्टर नंबर 4 कौन सा है, तो आपने क्या बोला, सर जिसमें महात्मा गांधी की फोटो है, तो ये हो गया रिट्रीवल, है ना। तो एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। समझ आया? समझ आया आप लोगों को? बताओ भाई। गुड इवनिंग काजल जी, समझ आया? चलो आगे चलते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, समझ आ गया ना, बस दैट इज इम्पोर्टेंट। एक सेकेंड, मेरा बैकग्राउंड इज नॉट लुकिंग टू गुड, दिस इज फाइन, ठीक है, नॉट सो बैड। तो हमने आज ये यहाँ तक क्या बात कर ली, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल, और ये हो गई हमारी बात। अब देखो, देर आर वेरियस अप्रोचेस टू लुक एट मेमोरी। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, डिफरेंट मॉडल्स एंड अप्रोचेस क्या होते हैं। वॉट आर मॉडल्स एंड अप्रोचेस? देखो, मॉडल्स जो होते हैं ये बेसिकली छोटी थ्योरीज होती है, मैंने शॉर्ट थ्योरीज कह दूंगा, ठीक है जी। और ये तरीके होते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ पे लुकआउट करने के लिए, है ना। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ मेमोरी की, तो मेमोरी को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत से लोगों ने काम किया, और जो बहुत से लोगों ने काम किया उसका जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, दैट इज हमारे मॉडल्स। हर एक ने अपने अपने मॉडल दिए। तो जो सबसे पहला मॉडल है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल, उसको ऑल्सो नोन एज स्टेज मॉडल। तो क्या नाम है उसका? एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल ऑफ मेमोरी, और इसको और क्या कहते हैं हम, स्टेज मॉडल भी कहते हैं।
क्या कहते हैं हम इसे, और स्टेज मॉडल भी कहते हैं। एटकिंसन और शिफ्रिन दो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कोशिश करी ये समझाने की कि कैसे आपका जो मेमोरी होती है वो काम करती है, ठीक है जी, आपकी कैसे मेमोरी काम करती है। तो इसके अंदर उन्होंने वेरियस प्रोसेसेस बताए, ठीक है, मेरा ये ऑफ हो गया था आई गेस, है ना, उन्होंने हमें वेरियस प्रोसेसेस बताए। अब देखते हैं, सबसे पहले उन्होंने बोला कि हमें दुनिया में एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्या भैया? हमें एक दुनिया में इन्फॉर्मेशन मिलती है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स मेक अ शेप, लेट्स मेक अ शेप, सपोज लेट्स मेक अ ट्राइंगल, उप्स कंट्रोल जेड, चलो रुको इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है? सबसे पहले हमें मिलती है इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले हमें मिली इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये एक एप्पल है, काफी खराब सा दिखने वाला एप्पल है, बट बुरा ना मानना, ठीक है, ये हमारे पास एक एप्पल है भैया, ये देखो कलर भी कर दिया मैंने अच्छा सा देखो, और इस पे एक छोटू सी लीफ भी है, ये देखो क्या बात है। अब ये एप्पल को हम लेंगे, सबसे पहले होती है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक प्रकार की मेमोरी में जाती है। जब आपने पहली बार इस एप्पल को देखा तो एक प्रकार की आपकी मेमोरी के अंदर ये एप्पल चला गया, विच इज कॉल्ड एज वॉट, अभी बताते हैं, वो गया आपकी सेंसरी मेमोरी के अंदर। इसको कलर दूसरा करते हैं, लेट्स मेक इट ग्रीन, है ना, वो गया आपकी एक प्रकार की मेमोरी विच इज कॉल्ड एज सेंसरी मेमोरी। ये होती है सबसे लीस्ट ड्यूरेशन की, या कहो इसे शॉर्टेस्ट मेमोरी, ये इतनी शॉर्ट होती है कि याद रखने का इसमें कोई सीन ही नहीं है, बेसिकली कुछ सेकंड तक, मैं कहूँगा लेस दैन 1 सेकंड, लेस दैन एक्चुअली तो मोर देन हो गया, 1 सेकंड से कम यहाँ पे चीज़ें रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप सड़क पर चलते हो आपको बहुत सी चीज़ें दिखती है, आपको साइड में गाड़ी वाला दिखता है, सामने एक लड़की दिखती है, एक फ्रूट सेलर दिखता है, हर चीज़ दिखती है, वो सब आपकी मेमोरी में जाती है, लेकिन वो आप उसको भूल जाते हो, यू डोंट थिंक अबाउट इट मच, है ना, सड़क पे 1 लाख चीज़ें दिखती हैं। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में 1 सेकंड के ज़्यादा सोचते ही नहीं और भूल जाते हो, वो कहाँ पे पहुँचती है? वो पहुँचती है हमारी सेंसरी मेमोरी के अंदर, ठीक है, कहाँ पहुँचती है? हमारी सेंसरी मेमोरी के अंदर। काफ़ी गंदा लग रहा है। जब हमारी सेंसरी मेमोरी में चीज़ पहुंच गई, अब एक चीज़ देखो, अगर मैंने उस पर अटेंशन नहीं पे करी तो वो निकल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे एप्पल बना रखा है, आपने एप्पल नहीं देखा तो आपके दिमाग से गुजर गया, देर वॉज नथिंग लाइक एन एप्पल फॉर यू। लेकिन अगर आपने उस चीज़ के ऊपर लगाई अ प्रोसेस कॉल्ड एज अटेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि सड़क पे आपके आगे स्कूटी पे एक लड़की चल रही थी, पहले आप ध्यान नहीं दे रहे थे, अब एकदम से आपने ध्यान दे दिया, अब आपने उस लड़की को देख लिया, उसने स्कार्फ बांधा हुआ है, हेलमेट पहना हुआ है, एक्टिवा स्कूटी चला रही है, जब आपने ये चीज देखी तो पता है क्या हुआ? अब आपकी मेमोरी, व्हेन जब वो इंफॉर्मेशन जब सेंसरी मेमोरी में थी वो खत्म होने वाली थी, लेकिन आपने उस पर लगा दी अटेंशन, तो उस अटेंशन की वजह से क्या हुआ कि अब आपकी वो इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी मेमोरी ड्यू टू अटेंशन रीचेज योर शॉर्ट टर्म मेमोरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो कहाँ चली गई? आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली गई, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली गई भाई। तो इन्फॉर्मेशन थी उसको आपने से उसके आप बस आपने उसे देखा तो आपकी सेंसरी मेमोरी में चली गई, सिर्फ 1 सेकंड में, 1 सेकंड के लिए। अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने उस पर अटेंशन पे नहीं करी, तो वो चली गई आपकी मेमोरी से, डिसरिगार्ड हो गई, डिस्कार्ड हो गई। लेकिन अगर आपने अटेंशन पे कर दी तो पता है क्या होगा? ओ यार मैं फिर अटका हुआ हूँ। आई गेस मैं काफी देर से अटका हुआ था, है ना? लेट्स सी लेट्स सी, आई थिंक माय कैमरा इज नॉट वर्किंग टुडे। आप लोगों को मेरा कैमरा आ रहा है? ओके, तो मेरा कैमरा नहीं आ रहा यार।
मेरा कैमरा ही चला गया। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ मेरी आवाज़ आ रही है। तो जब तक सूरज चांद रहेगा, अक्षत सर का नाम रहेगा, ठीक है? कोई नहीं, हम ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से डरते नहीं हैं, ठीक है? चलो कोई नहीं, लेट मी स्नैच इट डाउन अ लिल, इतना कर दे तो ऐसा, ताकि सेंटर ऑफ द पूरी वो ले ले, स्क्रीन ले ले। चलो इट्स फाइन ब्रो, इट्स फाइन, इट्स फाइन। तो भैया आपकी सेंसरी मेमोरी में चीज़ें थी, है ना? आपकी सेंसरी मेमोरी में चीज़ें थी। अब आपका उसके बाद जब अटेंशन पे करी शॉर्ट टर्म मेमोरी में पहुंच गई, शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ अ लिटिल बिगर और इसकी जो ड्यूरेशन है वो लेस दैन 30 सेकेंड है। यानी जो भी चीज़ आप याद रखोगे वो 30 सेकेंड तक याद रहेगी आपको। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी का फ़ोन नंबर, जब आप कोई कहते ना अच्छा जी फ़ोन नंबर लिखो, मम्मी कहती है 9854321, 9854321, आपने दिमाग में रखा और उसको एक बार लिख दिया, तो वो सेंसरी मेमोरी में था। अटेंशन पे करी आपकी चला गया शॉर्ट टर्म मेमोरी में। आपने उस लड़की को देखा, उसने स्कार्फ पहना हुआ, आपने देखा अच्छा ठीक है, उसके आपकी मेमोरी में थोड़ा सा चला कि वो कैसे स्कूटी चला रही होगी, उसके बाद 30 सेकंड के अंदर आप भूल गए उसे। शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही आपने चीज़ें रखी। लेकिन सपोज अब आपने उस मेमोरी के बाद, अब आपको लड़की लग गई बहुत ज़्यादा अच्छी यार, ठीक है जी, अब आप हो कमीने बच्चे, आपको वो अच्छी लग गई है ना, और आपको उसके सपने आने लग गए। अब आप उसको ऐसे कि वाह शी सो सुंदर, है ना, तो आप उसके बारे में बार 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 सोचने लग गए, बार 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 सोचने लग गए। ओ भाई साहब, तो जब आपने उसके बारे में बार बार सोचा, आपने एक प्रोसेस यूज़ किया विच इज़ कॉल्ड एज रिहर्सल, विच इज़ कॉल्ड एज रिहर्सल। और कोई बता सकता है, जब मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई चीज़ थी, सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म में, जब शॉर्ट टर्म में भी आ गई, शॉर्ट टर्म के बाद मैंने रिहर्सल लगा दी, उसके बाद कौन सी मेमोरी में जाएगा? डू यू गाइज नो विच मेमोरी इट विल गो इन? बताओ भाई कौन सी मेमोरी में लगता है ये सामान अब जाएगा? दिस विल नाउ गो इन टू वॉट वी कॉल एज लॉन्ग टर्म मेमोरी। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। तो ये कहाँ चला गया? हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चला गया, ठीक है? तो कहाँ क्या क्या हुआ? तो अब आपने रिहर्सल लगा दी, रिहर्सल का मतलब आपने उस चीज़ को बार बार रिपीट किया। तो दो प्रकार की रिहर्सल होती है, उस पर भी अभी बाद में बात करेंगे, पहले हम इस मॉडल को पढ़ेंगे। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ पहुँच गई। लॉन्ग टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन पता है कितनी होती है? अनलिमिटेड। इसकी अनलिमिटेड ड्यूरेशन होती है, ठीक है जी। कैपेसिटी की बात करें, इसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड कैपेसिटी। यानी आप बहुत सारी चीज़ें, आपका ऐसा तो नहीं है ना दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी, ऐसा तो नहीं है कि 500 GB मिलती है आपको, 600 GB मिलती है ब्रेन के अंदर चीज़ें याद रखने को, जैसी आपकी स्टोरेज फुल होगी आप सब भूल जाओगे। डज इट हैपन लाइक दैट? डज इट हैपन? नॉट एट ऑल, इट डज नॉट हैपन, राइट? पॉइंट इज कि आपकी इसमें अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है। वॉट डू यू थिंक अबाउट सेंसरी मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी? क्या इनकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है? मैं बात कहूँगा कि इसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। क्यों? अरे भैया उसको इतना सा काम ही नहीं करना यार, 1 सेकेंड के अंदर अंदर चीज़ें भूल जानी है, तो इसकी भी कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है। एक्चुअली लिख लेते से पूरा, लिमिटेड कैपेसिटी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी की। कितनी होती है किसी को पता है कितनी होती है? और इस वजह से मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा कि कितनी होती है, और इस वजह से आपको क्या क्या पता होगा। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो हमारी इन्फो है ना कैपेसिटी, वो होती है ऑब्जेक्ट्स 7 ± 2 ऑब्जेक्ट्स की। यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम या तो हम 7 - 2 यानी 5 से लेके 9 चीज़ों के बीच में याद रख सकते हैं 30 सेकंड तक, 5 चीज़ों से लेके 9 चीज़ों के बीच में। ये हमारी शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट, मतलब शॉर्टेस्ट तो नहीं, एक दो चीज़ें भी कर सकते हो, लेकिन 5 से 9, 7 ± 2 कहते हैं हम इसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेमोरी में ईजिली पूछा जा सकता है। 7 ± 2 हमारी ये लॉन्ग टर्म कैपेसिटी की वो होती है, ठीक है जी, सॉरी शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी होती है, ठीक है? चलो भाई लेट्स मूव अहेड।
ठीक है जी। तो 7 प्लस माइनस 2 ऑब्जेक्ट्स। अब लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म मेमोरी का मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक फैक्ट बताता हूँ। आपने हमारी कभी वो देखी है नंबर प्लेट, इंडिया में या कहीं पे भी आपने नंबर प्लेट देखी है? ये देखो, कोई भी एक नंबर प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि सपोज ये वाली ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। लेकिन देखो, एक्चुअली नंबर प्लेट्स के अंदर जो नंबर होते हैं दे आर डिजाइंड ताकि वो 7 प्लस माइनस 2 वाले रूल को फॉलो कर सके। ये तो अब हो गया है जी कि अब 26 डालना पड़ गया, कुछ डालना पड़ गया, लेकिन मोस्ट ऑफ दी नंबर प्लेट्स हैव अराउंड द वर्ल्ड 5 से लेके 9 डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, जैसे लेट्स लुक एट दिस वन, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। इसका फायदा क्या होगा किसी को पता है? वट विल बी द फायदा टू अस? इसका फायदा ये होगा भाई कि लिटरली जब पुलिस वाले ने ठुल्ले ने, आ ठुल्ला तो नहीं कहते भैया, पुलिस वाला कहते हैं तो जब आपको ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा और उसको था दिमाग में कि ओके अब मैं इसको पकड़ूंगा, तो इतने बड़े बड़े अक्षर लिख दूंगा तो उसको याद नहीं रहेगा नंबर। तो टू मेक देम ईजी टू लर्न दीज नंबर्स, वॉट वी डू इज कि भैया हम शॉर्ट नंबर्स रखते हैं, हम शॉर्ट नंबर्स रखते हैं भाई। क्यों रखते हैं शॉर्ट नंबर्स? ताकि जो हमारा पुलिस ऑफिसर है वो इजीली इन नंबर्स को याद रख सके, इन नंबर्स को इजीली याद रख सके। इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 और इधर 7 भी होगा आई गेस, तो अगेन 7 प्लस माइनस 2 वाले फॉर्मूले में आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 7 प्लस माइनस 2 वाले में। देख रहे हो दुनिया में जितनी भी होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 7 प्लस माइनस 2 वाले में, देख रहे हो, है ना इंटरेस्टिंग, है कि नहीं इंटरेस्टिंग? दिस टेल्स अस कि ओके, सो साइकोलॉजी का इम्प्लीकेशन, मेमोरी का इम्प्लीकेशन कहाँ कहाँ हुआ है। सो दिस ओवर हेयर व्हाट वी स्टडीड राइट टुडे वाज नन अदर दैन एटकिंसन एंड शिफरिन मॉडल। व्हाट वाज इट? एटकिंसन एंड शिफरिन मॉडल। ठीक है गाइस, समझ आया? समझ आया क्या? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? तो दिस इज वॉट इज इन्फॉर्म एटकिंसन एंड शिफरिन मॉडल। क्या क्या होता है इसमें कि भैया इंफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर, जब आप उसको ध्यान नहीं देते, सिंस आपकी इस आंखों के सामने है, वो कोई भी सेंसेशन के आगे है, जैसे कि आंख से, नाक से, हाथों से, टच सेंसेशन, माउथ सेंसेशन, ऑल्फैक्ट्री सेंसेशन, गस्टेटरी सेंसेशन, अगर आपकी सेंसेस में आई है तो शॉर्टेस्ट मेमोरी यदि सेंसरी मेमोरी के अंदर वो चीज़ पहुंच जाएगी। और कितनी देर के लिए रहेगी वो? लेस देन 1 सेकेंड के लिए रहेगी। ठीक है जी। अब अगर आपने उसके ऊपर अटेंशन पे कर दी, है ना, आपने उसके ऊपर ध्यान दे दिया कि तब एकदम से वो चीज़ आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चले जाएगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में भैया कितने होते हैं? 30 सेकेंड उसकी वो होती है, उस 30 सेकेंड तक चीज़ें रहेंगी उसके अंदर, अगर आपने उसको रिहर्सल नहीं करी तो उसके बाद 30 सेकेंड में गायब हो जाएगी। जैसे कि आप एक नंबर रखते हो और उसको आप बार बार बोलते रहते हो, 5 4 3 2 8 2 1, 5 4 3 2 8 2 1, 5 4 3 2 8 2 1, ये क्या कर रहे हो? आप रिहर्सल कर रहे हो बार बार, उस चीज़ को बार बार दोहरा रहे हो ताकि वो चीज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाए। शॉर्ट टर्म मेमोरी 30 सेकेंड की ड्यूरेशन होती है, 30 सेकेंड के अंदर भूल जाओगे, और उसकी कैपेसिटी होती है लिमिटेड, 7 प्लस माइनस 2 ऑब्जेक्ट्स की। और जब आप उस चीज का रिहर्सल कर लेते हो तब वो चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच जाती है, जहां पे वो लंबे समय, अनलिमिटेड समय तक रह सकती है। तभी आपको का आपका कभी कभी बचपन की वो चीजें याद रहती है जो शायद बहुत पुरानी है, कि मैं कभी गिरा था बचपन में, मेरे चोट लगी थी, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मैंने ये पंगा किया, मैंने किसी की पैंट में सुसु करते हुए देखा, बहुत सी चीजें होती है। तो वो कहाँ है हमारी? वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में है। ठीक है, सो दिस इज वॉट इज एटकिंसन एंड शिफरिन मॉडल ऑफ मेमोरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं अबाउट रिहर्सल। ये जो रिहर्सल है दो प्रकार की होती है, रिहर्सल इज ऑफ टू टाइप्स। एक होती है क्या कहते हैं हम उसे, कौन सी रिहर्सल होती है भैया? एक होती है इलाबोरेटिव, और दूसरी कौन सी होती है हमारी? रिपिटेटिव, नॉट रिपिटेटिव, आई वुड से कौन सी वाली होती है? एक होती है इलाबोरेटिव, तो दूसरी होती है मेंटेनेंस रिहर्सल। एक होती है मेंटेनेंस, ठीक है जी, मेंटेनेंस रिहर्सल, और दूसरी होती है
ठीक है जी। इलाबोरेटिव रिहर्सल, मेंटेनेंस रिहर्सल में क्या करते हो, आप चीज को बस मेंटेन करना चाहते हो, तो आप इसमें क्या करते हो, बार बार रिपीटेशन ऑफ थिंग्स, रिपीटेशन करते हो, 5 4 3 2 3 2 1, 5 4 3 2 3 2 1, 5 4 3 2। मम्मी ने कहा था आलू लाने, गोभी लाने, घिया लानी है, मम्मी ने कहा था आलू लाने, गोभी लाने, घिया लानी है, दैट इज वॉट यू डू, है ना। और ये क्या होती है, ये होती है आपकी रिहर्सल होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, वॉट इज इलाबोरेटिव रिहर्सल देन? इलाबोरेटिव रिहर्सल के अंदर आप चीज़ों को बस रट्टा नहीं मारते, आप चीज़ों को रट्टा नहीं मारते, आप इसके अंदर चीज़ों को समझते हो, यू अंडरस्टैंड थिंग्स, यू मेक कनेक्शंस विद ऑलरेडी एक्वायर्ड नॉलेज, विद ऑलरेडी एक्वायर्ड नॉलेज। इसका मतलब क्या भैया, जो आपके दिमाग में चीज़ें पहले से ही हैं ना, आप उनके साथ उसका एक एक कनेक्शन बना देते हो ताकि आप भूलो ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा कि आज मम्मी ने खाना बनाया है, ठीक है जी, तो खाने में क्या क्या बन रहा है, चावल बन रहे हैं, दाल बन रही है, ठीक है जी, सब्जी बन रही है और रोटी बन रही है। मम्मी ने कहा पीछे से कि नोए रायता भी लेके आना है। अब आप रायता को भूल ना जाओ, तो आपने क्या करा, आपने उसे प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरी में डाल दिया कि खाने में और क्या क्या बन रहा है, रायता भी बन रहा है, ऐसा कुछ कर दिया। और क्या कर सकते हो, आप चीज़ों के कनेक्शन बनाते हो। जब हम साइंस पढ़ते हैं तब हम चीज़ों के कनेक्शंस बनाते हैं, है ना, कि ओके अच्छा दिस इज आर्गन, आर्गन जो होती है वो एक नियोवो है, क्या कहते हैं, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस। और कौन सी इनर्ट गैस होती है भैया, नियॉन होती है ना, फ्रेयॉन होती है ना, तो ये दीज आर नियॉन, फ्रेयॉन, आर्गन, ये होती है इनर्ट गैसेस। कैसे याद किया, कि जो इनर्ट गैसेस का कॉन्सेप्ट है मेरे दिमाग के अंदर, मैंने उसी में आर्गन को भी डाल दिया, उसी में फ्रेयॉन को भी डाल दिया, उसी में नियॉन को भी डाल दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने अलग 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 कॉन्सेप्ट्स का एक टोटल मिला के मैंने एक एलाबोरेशन करा, मैंने जो भी चीज़ याद करी मैंने उसे एलाबोरेट कर लिया भाई, सिंपल सी बात है, बस दिमाग के अंदर एलाबोरेट कर लिया, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है, समझ आया। सिर्फ और इडियट इडिटिक मेमोरी, क्या है इडिटिक मेमोरी, पीपल हाउ कम दे आर एबल टू रिमेंबर इवन द टाइनियस्ट डिटेल लाइक ड्राइवर्स प्लेट फॉर लॉन्ग पीरियड। अगर ये ऐसा है तो दीज आर म्यूटेशंस ब्रो, हमारी मेमोरी भी दिमाग के अंदर चलती है ड्यू टू वेरियस डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है जी, ड्यू टू वेरियस डिफरेंट प्रोसेसेस, एंड दोज प्रोसेसेस वर्क ड्यू टू न्यूरल स्ट्रक्चर्स। हो सकता है उन बंदों के न्यूरल स्ट्रक्चर्स बेटर हो, उसमें म्यूटेशन हो गई हो कि वो इतनी अच्छे बन गए, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि कई लोग होते हैं जो चीज़ें लंबे समय तक इसी वजह से याद रख सकते हैं, कई कई लोग होते हैं जो हर चीज़ याद रख सकते हैं फॉर एवर, दैट डज बिकम अ कर्स फॉर देम। तो इट्स अ जेनेटिक म्यूटेशन, नथिंग मोर देन दैट। तो एक हमने पढ़ा एटकिंसन शिफरिन मॉडल ऑफ मेमोरी, एक है अगर मैं इसको कहूं दूसरा ब्रैडली, एंड इतने डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा भाई, एंड हिच मॉडल ऑफ मेमोरी। बेसिकली मैं आपकी पूरी बैचलर्स इन साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, देखा जाए तो ब्रैडली एंड हिच मॉडल ऑफ मेमोरी, एक्चुअली नॉट जस्ट मेमोरी, ब्रैडली एंड हिच मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, जो 30 सेकेंड वाली है, उसको हम STM लिखते हैं, और ब्रैडली एंड हिच ने उसे क्या बोला, वर्किंग मेमोरी कहा। अभी हमने देख रहे हैं क्या, कि हमारी जो वर्किंग मेमोरी है, दैट इज आर शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो कितनी बड़ी है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है जी। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी वर्किंग मेमोरी है ना, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती हैं, ठीक है जी, या कहो इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ, कलर बदलते हैं यार, बहुत देर से सेम दो कलर्स पे खेल रहे हैं। तो जो हमारी वर्किंग मेमोरी है, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, दो हैं। पहला जो है दैट इज फोनोलॉजिकल लूप्स, क्या होते हैं, फोनोलॉजिकल लूप्स, और रिमेम्बर दैट शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही वर्किंग मेमोरी कहते हैं, लेस दैन 30 सेकेंड्स, लिमिटेड कैपेसिटी। एक हो गया फोनोलॉजिकल लूप्स, और दूसरा क्या होता है, विजियो स्पेशियल स्केच पैड। अरे भाई साहब, इतना बड़ा अजीब सा नाम, इतना मुश्किल है नहीं, विजियो स्पेशियल स्केच पैड।
तो इन्होंने दो चीजों के बारे में बताया हमें, क्या क्या बताया, एक बताया हमें फोनोलॉजिकल लूप और दूसरा बताया विजुअल स्पेशल स्केच पैड के बारे में बताया ब्राडली एंड हिच ने। इन्होंने कहा जो ये फोनोलॉजिकल लूप है ये क्या होते हैं भैया, ये कुछ भी नहीं होते, इसके अंदर फोनोलॉजी, फोनो फोनो मतलब साउंड, आई होप इतना पता हो कि फोनो फोन जिसे कहते हैं हम, फोन क्यों कहते हैं, फोन मतलब सुनना। तो फोनोलॉजिकल लूप्स क्या हैं, ये एक ऐसा कंपोनेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी है विच होल्ड्स साउंड्स। जैसे कि आपको एक तेज आवाज आई, ऐसे एक चुटकी की आवाज आई, तो आपने उसे सुना, उसके बाद दिमाग से निकाल दिया, तो वो कहाँ गई, आपके फोनोलॉजिकल लूप के अंदर आई, और ये 2 सेकंड के अंदर अंदर चले जाती है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 सेकंड। अगर आपने उस चीज के बारे में नहीं सोचा तो वो 2 सेकंड के अंदर अंदर आपके दिमाग से निकल जाएगी, एज सिंपल एज दैट। और वो क्या है, वो एक साउंड है, ठीक है जी। विजियो स्पेशियल स्केच पैड क्या है भैया, ये बेसिकली हमें दो चीज़ें बताता है, ये बताता है इंफॉर्मेशन, बताता है हमारे बारे में कि भैया एक तो हमारी विजन, ठीक है जी, एग्जैक्टली दो चीज़ें, एक तो ये बताता है विजन, आसपास जो चीज़ें दिख रही हैं, दूसरा है स्पेशियल, हमारे आस पास ऑब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ हैं, वेयर आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मेरे सामने पेन कहाँ रखा है, मेरे सामने पेंसिल कहाँ रखी है, ऑल ऑफ दिस इज वॉट इज इनसाइड आर विजियो स्पेशियल स्केच पैड, इट इज इनसाइड आर विजियो स्पेशियल स्केच पैड, ठीक है जी। तो ये दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, इन दोनों को ना गवर्न करता है वर्किंग मेमोरी के अंदर एक चीज़। तो ये है हमारी वर्किंग मेमोरी, WM लिख दिया मैंने। इसके अंदर एक कंपोनेंट है बड़े वाला, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, जो चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है, दो चीज़ों को एक साथ मिलाता है। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज़ अ पार्ट ऑफ वर्किंग मेमोरी, जो कि दोनों की दोनों को गवर्न करता है, दो प्रकार की मेमोरी को। कौन सी, फोनोलॉजिकल लूप और विजियो स्पेशियल स्केच पैड, विजियो स्पेशियल स्केच पैड। इन दोनों को, इन दोनों से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सबसे पहले कहाँ जाएगी भैया, वो जाएगी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव उसके बारे में गोल गोल घुमाएगा और सीधा फिर वर्किंग मेमोरी में छोड़ेगा। दैट इज हाउ दिस थिंग वर्क्स। क्या आप लोगों को समझ आया, और जो जो लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं एक बार कृपया करके लाइक कर दो यार, आई थिंक काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं इन मेमोरी, सिंस आई कैन सी 11 आर लाइव वॉचिंग राइट नाउ। ग्रेट गाइज, ग्रेट, गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। चलो, एंड आई एम रियली सॉरी कि आज मेरा कैमरा चला गया यार, थोड़ी बहुत टेक्निकल डिफिकल्टीज होते रहती है, बट हमें हार नहीं माननी बस जीवन में, दैट इज द ओनली पॉइंट। अंडरस्टूड, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया भाई। चलो, तो दैट इज अनदर मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी, लेकिन ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का है, दैट इज ब्राडली एंड हिच मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी। सुपर इम्पॉर्टेंट, सुपर सुपर इम्पॉर्टेंट। चलो, आखिरी एक मॉडल पे आते हैं, उसके बाद हम खत्म करेंगे इसे, ठीक है जी। आखिरी एक मॉडल है ऑफ नॉर्मल मेमोरी, ठीक है जी, किसका है भैया, मेमोरी का ही है। उसका नाम क्या है भैया, थर्ड मॉडल, न्यूरल नेटवर्क मॉडल, न्यूरल नेटवर्क मॉडल। और बड़े शॉर्ट में पढ़ेंगे हम, किसने दिया था, मैकलेलैंड और रूमहरहार्ट ने दिया था। किसने दिया, मैकलेलैंड, आपको पता होगा मैकलेलैंड थ्योरी होती है एक, मैकलेलैंड एंड ल्यूमर र्यूमल, सॉरी र्यूमल हार्ट, नाम याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। दिया नाम क्या है इसका, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये न्यूरल, न्यूरल नेटवर्क मॉडल, न्यूरल नेटवर्क मॉडल, सिंपल सी बात है ये, सिंपल, ये बहुत इजी बात कहता है। ये कहता है भैया कि हमारे ब्रेन के अंदर व्हेन वी आर वर्किंग विद मेमोरी, व्हेन वी आर वर्किंग विद मेमोरी, जो ये हमारी मेमोरी है ना, ये ऐसा नहीं दिमाग के एक जगह पे होती है, दो जगह पे होती है, एक चीज के बारे में आप मल्टीपल ब्रेन एरियाज का यूज करते हो फॉर वन मेमोरी। एक चीज को याद रखने के लिए आप मल्टीपल ब्रेन एरियाज का इस्तेमाल करते हो, ठीक है जी। और ये जो मल्टीपल एक साथ, एंड दे ऑल आर यूज एक साथ टुगेदर, और इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की प्रोसेसिंग ऑफ मेमोरी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पैरेलल, हम क्या कहते हैं भैया, हम इसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं।
क्या कहते हैं हम इसे? पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। सो विजुअल न्यूरल नेटवर्क मॉडल बस एक ही चीज़ कहता है, ये कहता है भैया कि जो हमारा ब्रेन है ना उसके अंदर वेरियस न्यूरल नेटवर्क्स आर यूज्ड, वेरियस न्यूरल नेटवर्क्स आर यूज फॉर वॉट? फॉर स्टोरिंग द मेमोरी। ब्रेन में अलग 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 मल्टीपल जगहें यूज होती है। अगर ये आपका ब्रेन है, ठीक है जी, ठीक है, ये यहाँ पे कॉलिकुला है, ये ऐसे निकला, यहाँ पे वो है। अगर ये आपका ब्रेन है भैया, ठीक है जी, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी मेमोरी सिर्फ इस जगह पे स्टोर होती है, नॉट एट ऑल। ब्रेन के मल्टीपल एरियाज यूज होते हैं, ब्रेन के मल्टीपल एरियाज यूज होते हैं, नॉट जस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है एक मेमोरी में एक एरिया, नॉट एट ऑल। एक मेमोरी के लिए मल्टीपल एरियाज आर यूज, दिस इज वॉट सिंपली दिस मॉडल सेज, दिस इज वॉट द न्यूरल नेटवर्क मॉडल बाय मैक्लेलैंड एंड रिमल हार्ट सेज। समझ आया? बहुत ईजी है, याद रखना है, नोट्स बनाने हैं। बिना नोट्स बनाए कोई फायदा नहीं है भैया, कोई भी फायदा नहीं है, अभी छोड़ के चले जाओ। अगर नोट्स नहीं बनाए तो क्या किया, सिंपल सी बात है भाई। तो हमने तीन मॉडल पढ़े आज, ठीक है जी। कौन से पढ़े हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल ऑफ मेमोरी, जिसने हमें बोला कि इन्फॉर्मेशन होती है वो सेंसरी मेमोरी में जाती है, फिर अटेंशन पे करते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, फिर कहाँ रिहर्सल करते हैं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। फिर हमने पढ़ा कि भैया रिहर्सल दो प्रकार की होती है, मेंटेनेंस रिहर्सल, एलैबोरेटिव रिहर्सल, ठीक है जी। सर व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ फॉल्स मेमोरी? वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर इन दिस चैप्टर, ओके। दो तीन दिन के अंदर हम ये चैप्टर खत्म करेंगे। और बहुत अच्छा है आपने पूछा, फॉल्स मेमोरीज कैसे बनती हैं, एंड दिस इज व्हाई आई डिड अ कोर्स ऑन क्रिमिनल साइकोलॉजी, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ब्रैडली एंड हिच का मॉडल पढ़ा, ब्रैडली एंड हिच मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी, जिसके अंदर हमने पढ़ा वर्किंग मेमोरी के अंदर दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, फोनोलॉजिकल लूप और विजुअल स्पेशियल स्केच पैड, और दोनों को कौन गवर्न करता है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव गवर्न करता है। देन वी स्टडीड अबाउट न्यूरल नेटवर्क मॉडल बाय मैक्लेलैंड एंड रिमल हार्ट, जिसके अंदर सिंपल सी बात है कि एक मेमोरी में पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, वेरियस न्यूरल नेटवर्क्स ऑफ द ब्रेन आर यूज्ड फॉर वन सिंगल मेमोरी टू बी एनकोडेड, स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड, एज सिंपल एज दैट। आज की लेक्चर के अंदर मजा आया आप लोगों के? एक बार लाइक कर दो अगर आप लोगों को मजा आया तो। इम्पॉर्टेंट स्टफ था, मजा आया होगा आई होप सुनने में, समझने में कि क्या क्या पढ़ा, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है ना, मजा आया। दिस इज हाउ वी स्टार्टेड आर रियल साइकोलॉजी, ठीक है, दिस इज हाउ वी स्टार्टेड आर रियल साइकोलॉजी। चलो गाइज, अब कल की उसके अंदर हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया? हमने वर्किंग मेमोरी पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, हमने टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे अब, कि लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, फिर प्रोसेसिंग तो हो गई, फ्लैश बल्ब मेमोरी, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, चाइल्डहुड एम्नीशिया, एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है जी, सिमेंटिक मेमोरी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, मजा आएगा। चलो उसके बाद हम पढ़ेंगे मेमोरी मेकिंग, आई विटनेस, फॉल्स मेमोरी, ऑल ऑफ दिस वी विल स्टडी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉरगेटिंग क्या होती है, हम भूलते कैसे चीजें, फिर व्हाट आर द वेरियस डिफिकल्टीज विच हैपन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेमोरी, ठीक है। तो बहुत सी डिफरेंट चीजें हैं, वी फॉरगेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम एनहांस कैसे कर सकते हैं अपनी मेमोरी, ये सब चीजों को हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। चलो बहुत बढ़िया, यू गाइस आर वेटिंग, आई एम मच मोर ईगर। अच्छा जी, कल फ्राइडे है, सैटरडे संडे को आई एम थिंकिंग टू डू मल्टीपल क्लासेस, ठीक है, सो बी अवेयर, बी रेडी, ठीक है। हम अगर मल्टीपल क्लास करेंगे तो आप लोगों को जरूर एंड जरूर बता देंगे, ठीक है। चलो विद दैट आई एंड टुडेज लेक्चर, आई वाज अक्षय शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल सा चैनल। वैसे तो थैंक यू आप लोगों को भी करना चाहिए, बट कोई गल नहीं, आई अंडरस्टैंड इस जनरेशन को थैंक यू बोलने की कम आदत है। चलो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, ओला अमीगो, सबको सलाम, रघुपति राघव।